लौट चुका हूँ मैं अपने पुराने घर, अपने सीक्रेट बेस पे। बीते हुए समय में कितनी सारी चीजें बदल गई। ग्रेवियार्ड की शक्तियों ने दीपिका को मार डाला था। माता पिता के खोने के बाद सिर्फ तुम ही थी जो मेरी अपनी थी, लेकिन आज वो भी नहीं रहेगी। अलविदा मनोहर। इसके बाद दुनिया तो जीत गई, लेकिन मेरे प्यार की हार हो गई थी। और इसलिए दीपिका को नरक से वापस लाने के लिए मैंने प्रकृति का नियम तोड़ दिया। इतनी सारी मुश्किलों के बाद आखिरकार मैं इस नरक में पहुंच गया। अब मुझे सबसे पहले दीपिका को ढूंढना है। बहुत मुश्किलों के बाद मैंने दीपिका को नरक के सेनापति से आजाद तो करा लिया। मेरे प्यार को चोट पहुंचाने की कोशिश करने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन हम जब से धरती पे वापस लौटे, तब से ही अजीबोगरीब घटनाएं भी होने लगी। हे भगवान बचा लो। और फिर मैंने शिव से वादा किया कि मेरे कारण जो भी घटनाएं हो रही है, मैं उन सबको ठीक कर दूंगा। मैंने जो गलती की, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ शिव, लेकिन सबको बचाने के लिए मैं अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा। दुनिया की रक्षा करते करते मैं अपने प्यार से दूर होता गया, और इतना दूर हो गया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ दीपिका, लेकिन क्या तुम मुझसे नहीं करती? हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो उस प्यार को ही खो दिया। दोस्तों से उम्मीद थी कि इस मुश्किल की घड़ी में वो मेरा सहारा बनेंगे, मगर जब से मनोहर वापस लौटे हैं, ये तभी से शुरू हो गया है। अगर मनोहर नहीं आते तो मासूम लोगों की जान नहीं जाती। सच कह रहे हो, एक तरीके से तो यही बात हो गई कि सबके मौत का कारण मनोहर है। मेरे दोस्तों को भी यही लगता है कि इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। पहले भी मैंने अपनी बुद्धि के बल पे जीत हासिल की थी, और आगे भी करूँगा। लौट आया है वो मनोहर जो कभी हार नहीं मानता। ऊपर जाता हूँ, खुली हवा में अच्छे से सोच पाऊंगा। मैं एक ऐसे मोड़ पे खड़ा हूँ जहाँ से कोई रास्ता दिखना तो दूर की बात, यहाँ कोई रास्ता मौजूद ही नहीं है। और इसलिए मुझे कोई रास्ता ढूंढना नहीं, बल्कि खुद बनाना होगा। पूरे परगेटरी में ज़ॉम्बीज का आतंक फैला हुआ है। इसके पीछे कौन है और क्यों कर रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरे पास बुद्धि हो सकती है, बल हो सकता है, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल करूँ तो किस पे? मुझे अपने दुश्मन के बारे में पता ही नहीं है, तो मैं उस तक पहुँचूँ कैसे? पीछे से नीचे आ गए। ओपन फायर। इसके पीछे कौन है वो तो मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन जो दिख रहा है मैं उससे शुरुआत तो कर ही सकता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो मनोहर, तुम्हें अपने पुराने रूप में देख के अच्छा लगा, मगर अफसोस मेरे पास मेरी वो शक्तियाँ नहीं, इसलिए मुझे आपकी जरूरत है। हम हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। ये तो हम सब जानते हैं, परगेट्री में क्या चल रहा है, और अगर हमें इसे रोकना है तो शुरू से शुरुआत करनी होगी। इन सब के पीछे कौन है इसका तो पता नहीं, लेकिन जो दिख रहा है हम उससे पता करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। ये जितने भी ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं, हमें इन्हें पकड़ना होगा, और यही हमें इनके मालिक तक पहुंचाएंगे। इन्हें पकड़ना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हमने एक चीज नोटिस किया है, बिजली के झटकों के सामने ये सब टिक नहीं पाते। अगर हम टेजर का इस्तेमाल करें तो इन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम हमें इनकी एक कमजोरी तो पता चली। इंस्पेक्टर, मेरी रिक्वेस्ट है, आप 3-4 ज़ॉम्बीज को पकड़ो। जितने ज्यादा होंगे, हम
हमारा काम उतना ही आसान हो जाएगा। हो जाएगा मनोहर, हम अभी निकलेंगे। इंस्पेक्टर, आप इन्हें पकड़ने इतने सारे ऑफिसर ले तो जा रहे हैं, लेकिन इंटरोगेशन बहुत सीक्रेटली होगा। उसकी कोई टेंशन नहीं, मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूंगा। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू सो मच। सभी लोग चौकन्ने रहना, ये कभी भी तुम पे हमला कर सकते हैं। अगर किसी की भी टेजर रिलोड नहीं है तो जल्दी से कर लो, एक वही है जो इन्हें काबू कर सकती है। वी आर रेडी सर। फायर, जल्दी से इन सभी को गाड़ी में डालो और ले चलो, एंड अपने ऑफिसर को हॉस्पिटल ले जाओ। मनोहर, जैसा तुमने कहा था, एक से ज्यादा ज़ॉम्बीज को पकड़ना, हमने 4 ज़ॉम्बीज को पकड़ा है। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर, इनके मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि आखिर इन सब के पीछे है कौन। आओ मनोहर, अंदर चलो। इंस्पेक्टर, मुझे कुछ वक्त दीजिए, मुझे थोड़ा इनसे अकेले में बात करना है। ठीक है मनोहर, हम तुम्हारा बाहर इंतजार करते हैं, लेकिन ये लो टेजर, अगर ये तुम पे अटैक करने लगे तो तुम इससे खुद का बचाव कर सकते हो। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। अगर ये पुलिस कस्टडी में रहे तो मैं इनसे अपने सवालों का जवाब नहीं निकलवा पाऊंगा, इसलिए मुझे इनमें से किसी को सीक्रेट बेस पे ले जाना होगा। एक टेजर ही है जिससे ये कमजोर हो जाते हैं, मल्टीपल टेजर मारने के बाद पक्का ये बेहोश हो जाएगा, और अगर नहीं भी हुआ तो कमजोर तो जरूर हो जाएगा। ये कैसी आवाज आ रही है? ऐसे ही तो आवाज करते हैं वो। चल जल्दी चल। या पता नहीं मनोहर इनसे क्या पूछताछ कर रहा होगा। अपने को तो चाय पीने से मतलब है। इसे तो अच्छे से बांध दिया, अब बाकियों को खोल देता हूँ। ये क्या हुआ मनोहर को? मनोहर, क्या तुम ठीक हो? हाँ इंस्पेक्टर, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये सभी भाग गए। सारे के सारे? हाँ हाँ, चारों भाग गए। पर मैंने तो सिर्फ 3 को भागते हुए देखा। वो आगे निकल गया होगा। सॉरी ऑफिसर, मेरे कारण आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। कोई बात नहीं मनोहर, अगर तुम्हें जरूरत होगी तो हम उन्हें दोबारा पकड़ लेंगे। नहीं नहीं ऑफिसर, रहने दीजिए, बार बार आप सभी की जान खतरे में डालना सही नहीं होगा। चलिए मैं अब चलता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो आपको कॉल करूँगा। अच्छा हुआ कि पुलिस वालों ने देखा नहीं कि मैं इसे उठा के ले जा रहा हूँ। सुनो, तुम जो भी हो मुझे बताओ, तुम्हारा ये हाल किसने किया? अगर तुम मुझे बता देते हो तो मैं तुम्हें भी ठीक कर दूंगा। तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? बताओ कौन है तुम्हारे पीछे? तुम ऐसे नहीं सुनोगे। इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, अगर ये कुछ बोलेगा नहीं तो मैं इसके मालिक तक पहुंचूंगा कैसे? लगता है मेरा ये प्लान काम नहीं करेगा, मुझे कुछ और सोचना होगा। कैसे?
कैसे मैं उस तक पहुँचूँ? हाँ, ये बोल रहा है। बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो तुम? कौन है तुम्हारे पीछे? बताओ कौन है, कौन ये सब कर रहा है? सबको मार देगा। मनोहर को ऐसे ही तोड़। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ हाँ बोलो बोलो, कौन सी सेना, किसकी सेना? मेरी शक्तियों पे हावी होना नामुमकिन। हाँ हाँ बताओ। अरे ये क्या हुआ? कोई तो है जो मेरी शक्तियों पे हावी हो रहा है, उसका पता लगाना होगा। ये मरा नहीं था, बल्कि इसके अंदर अभी भी जान बाकी थी। ना जाने कैसे, मगर ये अपने ही शरीर के अंदर कैद हो रखा था। इसे अपने ही शरीर से तकलीफ हो रही थी, इसलिए ये बार बार कह रहा था कि मुझे तकलीफ हो रही है। इसने सेना के बारे में तो बताया, मगर किसकी सेना ये बता ही नहीं सका। जो भी ये सब कर रहा है बहुत निर्दय है। आज तक हमने जितने भी ज़ॉम्बीज को मारा, चाहे गोली से या किसी और तरीके से, सबको तकलीफ हुई होगी। तुम जो भी हो, मैं तुम्हें और तुम्हारी सेना को खत्म कर दूंगा। चलो अब मुझे चलना चाहिए, मनोहर आते ही होंगे। ठीक है, बस थोड़ी देर और फिर चले जाना। ओके। अरे वो तो दीपिका है, मैंने तो सुना था इसकी तबीयत खराब है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? मनोहर को फोन करता हूँ। हाँ इंस्पेक्टर, बोलिए। मनोहर तुम कहाँ हो? मैं थोड़ा बाहर हूँ, कुछ काम था क्या? मनोहर दीपिका की तबीयत खराब थी ना, लेकिन वो यहाँ किसी के साथ घूम रही है। हाँ इंस्पेक्टर, उसकी थेरेपी चल रही है जिसमें वो नेचर के बारे में पढ़ रही है। ओह ठीक है मनोहर, मुझे लगा कोई गड़बड़ होगी, इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हें एक बार बता दूँ। मनोहर आगे क्या करेगा वो तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो। नेक्स्ट पार्ट का लीक चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कमेंट में बताओ कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। एंड हाँ, 15,000 लाइक्स का एम है तो पूरा कर देना।